तो क्या हाल है भाइयों, आज बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों हर कोई डिप्रेशन में, बच्चा बूढ़ा लड़का लड़की जिंदा मुर्दा सब डिप्रेशन में, और जो नहीं भी है वो भी इनको देख देख के डिप्रेशन में आ रहे हैं। लोगों ने ट्रेंड बना दिया, अब इन लोग को किसी भी चीज में मजा नहीं आता। भले रमजान आ जाए उस्ताद, इस बार रमजान में वो वाली बात नहीं है। भले ईद आ जाए उस्ताद, इस बार ईद पे वो वाली बात नहीं है। ये लोग शॉपिंग करने जाए, नहीं उस्ताद इस बार शॉपिंग में वो वाली बात नहीं है। दोस्तों के साथ घूमने जाए, नहीं यार इस बार घूमने फिरने में वो वाली बात नहीं है। नहीं बेंचो, ये वो वाली कौन सी बात है जो पहले थी और अब नहीं है? नहीं ऐसी कौन सी बात है बेंचो, मुझे भी तो बताओ, मेरी क्या बोलचाल बंद हुई है तुमसे? नहीं मुझे भी तो उस ग्रुप में ऐड करो जहाँ पे वो वाली बातें होती है। साला ये वही लोग होते हैं, जब ये पैदा हुए थे ना तो डॉक्टर ने इन लोग को देख के बोला था कि उस्ताद हमने बाहर तो निकाल लिया लेकिन वो वाली बात नहीं है, आप देख लो। और फिर कुछ चूतिया अपनी अलग ही फनकारियां लेके आते हैं कि अगर इस बार तुम ईद के लिए एक्साइटेड नहीं हो मतलब तुम मैच्योर हो गए हो। अबे बुसड़ी के मैच्योर हो गया, बीवी थोड़ी भाग गई तेरी जो तू ईद नहीं मनाएगा। नहीं है मैच्योरिटी का एक्साइटमेंट से क्या लेना देना? क्या मैच्योर होने के बाद क्या बंदा जॉम्बी बन जाता है, उसकी क्या फीलिंग्स खत्म हो जाती है, लंड कटवा लेता है वो अपना? नहीं ऐसे कौन से नशे जो करने के बाद इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं? पता नहीं शायद डेली ब्लॉगिंग देख देख के इनका दिमाग ही लंड हो गया। और लोग आजकल इतने परेशान है, कहीं पे भी किसी से बातें करना शुरू कर देते हैं। उस दिन मैं बाइक पे कहीं जा रहा और ट्रैफिक में फंस गया तो मेरा बराबर वाला बंदा बोल रहा कि उस्ताद अगर ये ट्रैफिक पुलिस वाले अपना काम सही से करते ना तो कराची का ये हाल नहीं होता। फिर इधर वाला बंदा बोल रहा नहीं उस्ताद जब तक ये गवर्नमेंट ये रोड नहीं बनेगी ना तब तक कराची का कुछ नहीं होगा। फिर ये बोल रहा कि यार जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना इधर का कुछ भी नहीं होगा। फिर ये बोल रहा कि आवाम भी ठीक होगी क्या करेगी, यहाँ की हुक्मरानी गांडू है। अच्छा पता इन दोनों को एक दूसरे का लंड का नहीं, लेकिन बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे अभी बाइक साइड में लगा के लोग नया पाकिस्तान बनाएंगे। एक तो मैं हर वीडियो में बाइक पता नहीं को बीच में ले आता हूँ। अरे बाइक से याद आया, रोड पे सबसे परेशान बंदा वो होता है जिसकी बाइक का पिछले वाला टायर पंचर हो जाता है, फिर वो ऐसे हैंडल पकड़ के अपनी गांड टंकी पर रख के मेंढक की तरह ही जा रहा होता है। अब वो बेचारा ना तेज चला सकता है ना अचानक ब्रेक मार सकता है, क्योंकि अगर तेज चलाएगा तो उसकी बाइक की ट्यूब जाएगी और अगर अचानक से ब्रेक मारेगा तो उसकी मर्दानगी जाएगी। और फिर जब अचानक से उसके सामने गड्ढा आता है तो उसके पास 2 सेकंड होते हैं डिसाइड करने के लिए कि उसको अपनी बाइक की ट्यूब बचानी है या अपनी मर्दानगी। फिर वो अपने दिमाग का 100% यूज करके बिना ब्रेक मारे बस आगे बंद करके बाइक पे खड़ा हो जाता है। फिर वो बेचारा अपनी मर्दानगी तो बचा लेता है लेकिन उसको अपनी बाइक की ट्यूब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और जब कोई लड़की साइड हो वो किसी को बताया भी ना बस हल्का सा हिंट देते हैं और सब आए थे उसकी हेल्प करने के लिए, उसका पूरा इनबॉक्स भर जाता है कि बेटा क्या हो गया, कौन तुम्हारा मेकअप चोरी करके ले गया जो तुम इतना साइड हो। उसकी 50 साल पुरानी दोस्तें आ जाती हैं उसके घर पे उसको खुश करने के लिए, उसकी फैमिली उसको पिकनिक पे ले जाती है फरेर, और फिर वहां जाके वो 2-3 TikTok बनाती है उसके बाद जाके खुश होती है। और कोई लड़का खुद आके बताया कि मैं डिप्रेशन में हूं तो उसको अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती है कि भोसड़ी के तेरे को कौन सा कुसरा धोखा देकर चला गया तू डिप्रेशन में, साले तुझे किसने बोला था कि सारा दिन बैठ के डेली ब्लॉग देखा, हो गया ना दिमाग से चूतिया। उस दिन एक दोस्त आके बोल रहा कि यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूं बता क्या करूं, तो दूसरा दोस्त बोल रहा कि यार तू तो डिप्रेशन में तेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। उसने कहा सही बात है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसने कहा ये तूने हाथ में घड़ी पहनी है भाई ये भी तेरे को अच्छी नहीं लग रही होगी, लाई मुझे दे दे। वो बेचारा अपनी डिप्रेशन कम करने आया था और अपनी घड़ी देके चला गया। और इन लोग को अपनी डिप्रेशन का शो ऑफ करने के लिए सबसे अच्छी जगह मिलती है सोशल मीडिया, और वहाँ पे आके भी डायरेक्ट नहीं बताते, कोड वर्ड में बातें करते हैं, इनकी अलग ही लैंग्वेज होती है। जैसे वो पट्टी की लैंग्वेज बताई थी ना वैसे इनकी भी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। सबसे पहले इनकी डीपी गायब होती है, उसके बाद इनके आईडी पे सस्ते शायरों वाले स्टेटस डलते हैं, फिर ये अपनी स्टोरीज पे दिल टूटने वाली टिकटॉक लगाते हैं, और ये पिक्चर भी अपलोड करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें इनका आधा मुंह छुपा हुआ होगा और आधे पे मनुष्यत आई भी होगी, तो इनकी प्रोफाइल में गुस्से ही समझ जाओगे कि मैं किसी सही तड़से हुए इंसान की प्रोफाइल में आ गया, ये साला खुद जिंदगी से बेजार है हमें भी अपनी ऐसा बना देगा। अबे भोसड़ी वालों जिस दिन सच में डिप्रेशन में चले गए ना मोबाइल को हाथ लगाने का भी दिल नहीं जाएगा तुम्हारा। ये जो अटेंशन लेने के लिए रंडी रोने वाले स्टेटस लगा रहे होते हैं ना बेटा, जिस डिप्रेशन के समुद्र में तो मुंह पर ऊपर स्विमिंग कर रहे हो ना उसकी गहराइयों में डुबकियां लगाकर आया हूं मैं। हाँ मैं तो इतनी बार गया हूं कि वहां की गहराई की मछलियां मुझे देख के बोल रही होती हैं कि भोसड़ी के तो फिर आ गया तुझे बार बार देख देख के हम डिप्रेशन में चले गए। और फिर ये लोग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे होते हैं कि वो आके हमें खुश करेगा। बेटा अगर तुम खुश होने के लिए कोई और इंसान ढूंढ रहे हो ना तो तुमसे बड़ा लंड कोई नहीं, तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान खुश कर सकता है जो तुम्हें सामने शीशे में नजर आता है, उसके अलावा और कोई नहीं। और अभी किसी सस्ते आशिक ने आके बोला ना कि मुझे शीशे में वही नजर आती है तो भोसड़ी के तू गांड संदा हो गया, जाके इलाज करवा अपना। और सालों अगर इतनी डिप्रेशन में हो तो मेरी वीडियो देखो ना, मैं चूतिया थोड़ी जो कॉमेडी कंटेंट बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपनी हरकतें ठीक कर लो, वरना मैंने भी कल से डेली ब्लॉगिंग शुरू करके ना बच्चे पैदा करने शुरू कर देना, फिर मैं भी अपने बच्चे की गांड की वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये देखो मेरे बच्चे ने आज पहली बार टट्टी करी। तो बस भाई ईद मुबारक सबको, मैंने तो ईदी के तौर पे ये वीडियो डाल दी, अब तुम लोग की बारी है सपोर्ट दिखा देना तगड़ा वाला। इस बार तो ईद पे ईद मुबारक वाले मैसेज कम और वीडियो का बारी ये वाले मैसेज ज्यादा है मेरे पास। एक तो अब मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा फैन कौन है और हेटर कौन है, कोई मुझे गाली वाला मैसेज करता है मैं पलट के गाली देता हूं तो रिप्लाई आता है अरे भाई हम तो फैन है। अबे साले फैन है तो पहले गाली क्यों दी? ये तो वही बात हो गई कि रोड पे किसी का बड्डा हो रहा वो बोले तेरी माँ चुद दूंगा मैं, और सामने से जवाब है ठीक है डन है शाम को आ जा। और लाना तो उन घुसरों पे जो इंस्टा पे लड़कियों की फेक आईडी बना के यूज कर रहे होते हैं। हाँ मुझे तो पता चला था ज्यादातर लड़कों की 2 या 3 फेक आईडियां होती हैं लड़की के नाम की। नहीं मुझे एक बात बताओ, जब तुम ये फेक आईडी बना रहे हो तो तुम लोग को ऐसी फील नहीं आती कि शीशे के सामने बैठ के लड़कियों के कपड़े पहन के मेकअप करके तुम अपने आप को ही खुसरा बना रहे हो? साला मैं तो इतना यूज भी नहीं करता था इंस्टाग्राम, अभी इसकी गहराइयों में गया हूं तो ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है। मैंने तो आज तक फॉलो भी नहीं करा हुआ किसी को, एक ही अकाउंट फॉलो किया हुआ वो भी मेरा अपना ही प्राइवेट अकाउंट है। अब क्या करें, अपनी लाइफ में है ही नहीं कोई इतना स्पेशल जिसको फॉलो करें, जब होगा तो कर देंगे। और इनको लगता है कि अगर लड़की के अकाउंट से मुझे मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी अपनी बहन का दुपट्टा पहन के घूमने वाले कंजरों में तकरीबन सबको रिप्लाई करता हूँ, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़की को ही रिप्लाई करूँ। भाई तुम लोग नीचे कमेंट करके बता देना यार जिसको रिप्लाई किया है मैं रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता, बल्कि फैन का मैं तो हेटर्स को भी रिप्लाई करता हूँ। जब तक थोड़े बहुत हेटर्स नहीं होंगे तो मैं पता कैसे चलेगा कि तुम सही काम कर रहे हो? हाँ यही लोग तो मोटिवेट करते हैं मुझे आगे। हेटर्स आई लव यू।
तो बस भाई अभी के लिए इतना ही, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।